डिश टीवी के ऊपर मेरा प्रीवियस वीडियो अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड हुआ था दोस्तों, 3 सितंबर के दिन। 3 सितंबर पे मैं आपको ओपनली बता दिया था स्टॉक 13.05 पैसा पे रुका है। ऑलरेडी मैं जो फ्रेश बाइंग किया था ये 14 रुपीज पे था। जो भी 14 पे खरीदे हैं एवरेज मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, ये भी बोला। और जो ऑलरेडी बाई करें कुछ एवरेज मत करिए। जो अभी तक बाई नहीं करे हैं दोस्तों, यहाँ पे पोटेंशियल बन रहा है 13.05। 13 कौन सा भी लेवल देखने को मिला स्टॉक में आप एंट्री ले सकते हैं, यह मैं खुद बताया। और उसके बाद मैंने खुद समझाया था 60-40 RSI कंसोलिडेशन के अंदर स्टॉक में कंसोलिडेशन हो रहा है और MACD में भी कंसोलिडेशन हो रहा है। इसकी अगर रैली देखने को मिलेगी तो पहला टारगेट आपका शॉर्ट टर्म का 16 होगा, प्रोफेशनल शॉर्ट टर्म टारगेट 19 होंगे, फाइनल टारगेट 21-24 होंगे, ये ओपनली बता दिया था। और उसके 2 दिन बाद आप देख सकते हैं डिश टीवी में डायरेक्ट रैली देखने को मिल रही है 7 दिन से दोस्तों। और ये रैली में मुझे पूछ रहे हैं सुहेल भाई, अपर सर्किट लगते हुए 17.90 पैसा पे स्टॉक आके रुका है, क्या आप बोले जैसा ये 19 रुपीज तक जाएगा, ऐसे मुझे पूछ रहे। तो मैं ओपनली सजेस्ट करूंगा 19 रुपीज के लिए होल्डिंग ला के चलिए। अगर आप एक सेफ ट्रेडर है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, एग्जिट कर जाइए। पर आगे चल के जो मैं टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूँ वो देखने के बाद, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ मोहम्मद सोहेल, आपके सामने स्टॉक पे बात कर रहा हूँ डिश टीवी। अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। डिश टीवी के ऊपर प्रीवियस वीडियो में जो मैं आपको बताया था दोस्तों, सिंपल सी बात बताया था दोस्तों, स्टॉक के अंदर जो हमारा ब्रेकआउट हुआ है ये 12 लेवल पे हुआ। उसके बाद स्टॉक के अंदर जो ब्रेकआउट नीचे लेवल पे देखने को मिल रहा है वो 8 है। हम लोग 10 रुपए के पास एवरेज करेंगे, ये बात भी मैंने आपको क्लियर किया। उसके बाद जब स्टॉक के अंदर 13.05 से काफी समय से कंसोलिडेट हो रहा था, उसमें मैंने आपको बता दिया 60-40 कंसोलिडेशन के अंदर स्टॉक में रैली है। मैं भी बोल रहा हूँ 13 सितंबर को मैंने वीडियो, सॉरी 3 सितंबर को मैं वीडियो अपलोड किया हूँ, आप जाके देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। और ये जो कंसोलिडेशन हो रही है, कंसोलिडेशन के बारे में समझा दिया और ये बोला अगर स्टॉक के अंदर हमारा ये जो ब्रेकडाउन लेवल है, अगर ये 16 अचीव होते हैं, ब्रेक करता है, तो स्टॉक के अंदर आपको 19 रुपीज तक का रैली देखने को मिलेगा। तो आप 16 पे शॉर्ट टर्म टारगेट, 19 पे प्रोफेशनल, 21-24 फाइनल लेके चल सकते हैं, ये बात भी बोली। अब काफी लोग मुझे ये बोल रहे हैं सोहेल भाई, हम लोगों ने रिसेंटली 13 पे भी लिया, पहले आपने कहा था 14 पे भी ले लिया, हम लोगों ने एवरेज तो मेंटेन नहीं किया पर शॉर्ट टर्म भी अचीव हो गया, प्रॉफिट बुक कर लिए, और प्रोफेशनल के लिए क्या होल्ड कर। मैं ओपनली सजेस्ट कर रहा हूँ अगर आप नो एवरेज के साथ रुके हैं तो आप 19 लेवल के लिए काम कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक के अंदर सेफ ट्रेडर हैं, सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो प्रॉफिट बुक करिए, एग्जिट हो जाइए। और स्टॉक में जो भी लॉन्ग टर्म पोजीशन मेरे कॉल्स पे काम कर रहे हैं 21-24 के लिए, मैं डेफिनेटली बोलूंगा ये लेवल्स आपको देखने को मिलेंगी, स्टॉक के अंदर होल्डिंग ला के चलिए। और दूसरी बात यह है दोस्तों, डिश टीवी पिछले 2020 कोविड से पहले जो लेवल्स देखने को मिल रहे थे डिश टीवी में, जब डिश टीवी काफी बड़ा था, फॉर एग्जाम्पल 2016 भी, 2017 भी देखेंगे, 15 भी देखेंगे, जब स्टॉक के अंदर रैली आ रही थी 120 तक का हाई है स्टॉक के अंदर, और अभी के लिए स्टॉक काफी कम रेट में मिल रहा है, वो 21 और 24 इसके लिए कॉमन टारगेट्स हैं जो आपको जल्दी देखे जाएगा। और आप देख सकते हैं डिश टीवी के अंदर ओवर बाइंग हो रही है, डिलीवरेबल क्वांटिटी चेंज हो रहा है, तो सजेस्ट करूंगा 19 के लिए होल्डिंग लगा के चलिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, फॉर इंट्राडे लाइव टिप्स एंड स्टॉक मार्केट अपडेट्स के लिए। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड कीप एंकरेजिंग मी दोस्तों। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दीजिए। 9 सितंबर 2021 थर्सडे, डिश टीवी का क्लोजिंग है 17.90 पैसा। ये मैं टारगेट निकाल रहा हूँ फॉर 13 सितंबर 2021 मंडे के लिए। मंडे लाइव मार्केट में आपको मेरे लेवल्स पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिले या सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिले, आप मेरे टारगेट एंड स्टॉप लॉस लाइव मार्केट में लेकर चल सकते हैं दोस्तों।